विलीनीकरण दिवस की 25वीं वर्षगांठ भोपाल गौरव दिवस धूमधाम से मनाया गया। आज भोपाल वासियों के लिए बड़ा खुशी का और बड़ा ऐतिहासिक दिन है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, परंतु हमारा भोपाल 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुआ था। इसके लिए एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी गई और तत्कालीन नौजवानों ने एक विलीनीकरण का आंदोलन चलाया। भोपाल के नवाब हमीदुल्ला नहीं चाहते थे कि भोपाल स्वतंत्र भारत का हिस्सा बने, वे चाहते थे कि भोपाल पाकिस्तान के अंदर शामिल हो। इसके लिए तत्कालीन नौजवान हमारे भाई रतन कुमार जी गुप्ता भाई आज भोपाल वासियों के लिए बड़ा खुशी का और बड़ा ऐतिहासिक दिन है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, परंतु हमारा भोपाल 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुआ था। इसके लिए एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी गई और तत्कालीन नौजवानों ने एक विलीनीकरण का आंदोलन चलाया। भोपाल के नवाब हमीदुल्ला नहीं चाहते थे कि भोपाल स्वतंत्र भारत का हिस्सा बने, वे चाहते थे कि भोपाल पाकिस्तान के अंदर शामिल हो। इसके लिए तत्कालीन नौजवान हमारे भाई रतन कुमार जी गुप्ता भाई बालकृष्ण गुप्ता स्वर्गीय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी और उद्धव दास जी मेहता मोहिनी देवी चंपा चारूपा मास्टर लाल सिंह मास्टर भैरव जी और डॉक्टर जमुना प्रसाद मुखर्जी जैसे कई नौजवानों ने भोपाल में विलीनीकरण का आंदोलन चलाया। तब जाकर हमारा भोपाल 1 जून 1949 को आज़ाद हुआ। इस और जब भोपाल की जनता ने मुझे भोपाल के महापौर के रूप में आशीर्वाद दिया, तब से मैंने भोपाल नगर निगम से इस कार्यक्रम को भोपाल की आज़ादी का वास्तविक सच आने वाली पीढ़ी के सामने आए, इसके लिए हम 1 जून को भोपाल गेट के ऊपर कार्यक्रम करते हैं। और भोपाल के जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे, जो योद्धा थे भोपाल को आज़ाद कराने के लिए, उनको हम लोग पुष्पांजलि अर्पित करते हैं।